दोस्तों आज आप सीखेंगे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में पार्ट 2 से 7 सेल्फ डिफेंस की। दोस्तों ये सात किक जमीनी स्तर की किक है और प्रॉपर सेल्फ डिफेंस के लिए इन किक को सीखना बहुत ही जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम आदाब जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ हूं आफताब सिफी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेरी इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लें। अगर आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीख लेते हैं 7 सेल्फ डिफेंस की। दोस्तों सबसे पहले हमें एक पोजिशन लेनी है और पोजिशन है एल स्टांस। यहाँ से हल्का सा ओपन करेंगे लेग को और इस तरीके से जिस पैर से हमें अटैक करना है उस लेग को पीछे रखेंगे और सीधा रखेंगे और जो आगे वाला लेग है हमें उसको इस हल्का सा बेंड करना है और दोनों हैंड से ब्लॉक करना है इस तरीके से और पीछे वाला लेग जिससे हमें अटैक करना है उसको पूरा नी तक उठाएंगे और पूरा सोल से अटैक करेंगे। देखिए 1 एंड 2 पोजिशन चेंज करेंगे इस तरीके से 1 एंड 2। इसके लिए बैलेंस बनाने के लिए अगर आपका बैलेंस नहीं बनना है तो आप किसी दीवार का इस तरीके से सपोर्ट ले सकते हैं और उसके बाद भी इसकी को तैयारी कर सकते हैं। स्लैब किक में भी हमें सेम पोजीशन लेनी है, जिस लेग से हम अटैक करें उसे पीछे लेंगे और दोनों एंड से ब्लॉक बना के रखना है और इस तरीके से किक को उठाना है और इस वाले पैर को हल्का सा रोटेट करना है जैसे मैंने अभी करा था और पैर के इस वाले हिस्से से नी को रखना है और पैर के इस वाले हिस्से से इस तरीके से अटैक करना है चेस्ट पे या फेस पे और वापसी लेके आना है। देखिए 1 2 किक एंड फेस किक। इसी तरीके से सेम लेफ्ट साइड से करना है 1 एंड फेस किक। अगर आपका बैलेंस नहीं बनना है तो बैलेंस के लिए आप किसी दीवार का या फिर किसी चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको सेम तरीके से आपको ट्राई करना है। साइड किक में भी हमें सेम पोजीशन ले लेनी है इसी तरीके से और दोनों हैंड्स का ब्लॉक बनाना है और किक को इस तरीके से उठाना है जैसे सेम हमने स्लैब किक में उठाया था। बस इसमें क्या करना है, हमें इस वाले हिस्से का प्रयोग नहीं करना है, पूरे सोल से हमें अटैक करना है चेस्ट लेवल या फिर फेस लेवल। इसी तरीके से हमें फर्स्ट करना है 1 एंड 2। लेफ्ट से भी सेम ऐसे करेंगे 1 एंड 2। अगर आपका बैलेंस नहीं बनना है तो इसमें भी आप किसी दीवार का या फिर किसी चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं क्योंकि खासतौर से जो साइड किक है इसमें बैलेंस बहुत कम बनता है। तो इसमें आप सपोर्ट लेंगे स्टार्टिंग में और पूरा इस तरीके से किक को अटैक कर लें। बैक किक के लिए भी आपको सेम पोजीशन लेना है इस तरीके से और दोनों एंड्स का ब्लॉक करना है और बॉडी को हाफ रोटेट करना है और जहाँ पर हमें अटैक करना है उस टारगेट पर पीछे वाले लेग से इस तरीके से उठाएंगे और पूरे सोल से अटैक करेंगे और किक को वापसी लेंगे। फिर देखिए अटैक करेंगे एंड किक को वापसी लेंगे जहाँ से उठाएंगे। सेम लेफ्ट हैंड लेग से करेंगे अगर आपका बैलेंस नहीं बनना है तो आप इसमें भी किसी दीवार का या फिर किसी चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। किस तरीके से लेना मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से खड़ा होना है दीवार के साइड में और इस तरीके से घूमना है इस वाले हाथ को जिससे हम अटैक कर रहे हैं उस वाले हाथ को इस तरफ लेना है और किक से इस तरीके से अटैक करना है वापसी लेना है। राउंड किक में भी हमें सेम पोजीशन लेनी है और ब्लॉक रखना है और उसके बाद बॉडी को रोटेट करना है इस तरीके से और रोटेट करते हुए जिस लेग से हमें टारगेट पर अटैक करना है उसको इस तरीके से हील से या फिर सोल से अटैक करेंगे और किक को पूरा घुमा के वापसी वहीं जाएगी। फिर दिखा देता हूँ, यहाँ से किक को बाहर की साइड से घुमाना है फेस पर अटैक करना है वापसी लेना है। फिर एक बार फास्ट दिखा देता हूँ अटैक एंड वापसी। सेम इसी तरीके से लेफ्ट से करेंगे 1 एंड 2। स्विप किक के लिए भी हमें एक पोजीशन लेंगे इस तरीके से, इधर से आपको समझ में नहीं आएगा मैं इधर से दिखा देता हूँ और जिस लेग से हम अटैक कर रहे हैं उसी साइड का जो हैंड से उसको इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे बॉडी के बिल्कुल बीच सेंटर में और दूसरे हैंड को इस तरीके से खींच कर रखेंगे ऊपर की साइड इसकी। देखिए इस तरीके से और जिस लेग से हमें अटैक करना है उसका सोल को रखना है और जिस पे हमें घूमना है उसका टॉप ऑफ फुट को यानी कि हील को उठा के रखना है और टॉप ऑफ फुट पे हमें घूमना है। देखिए इस तरीके
दो बार मैं करके दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर एक बार करके दिखा देता हूँ। वन यहाँ रखेंगे और उठा के इस तरीके से थोड़ा फास्ट करके दिखा देता हूँ। ये है स्विफ्टिंग, टोर्नाडो किक में हमें पोजीशन जो है अपोजिट लेना है, यानी कि जिस लेग से हमें अटैक नहीं करना है उस लेग को हम पीछे रखेंगे इस तरीके से, और जिस लेग से हम अटैक करेंगे उसे आगे रखना है, और उसके बाद इस तरीके से रोटेट करना है बॉडी को, और जो पीछे वाला लेग है इस तरीके से किक को लाना है, पीछे रखना है और आगे वाले लेग से अटैक करना है। थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ मैं, इस तरीके से जंप करना है और अटैक करना है। एक बार फिर देखिए, अटैक करने तो इस तरीके से वापस आए, पास करके दिखा देता हूँ दोस्तों। यदि जमीनी स्तर की सेवन सेल्फ डिफेंस की अगर आप बिगिनर्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वर्कआउट फॉर सेल्फ डिफेंस, वहीं से देखकर आप स्टार्ट करें। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताएं, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्द मिलेंगे पार्ट 3 में, फिलहाल इजाजत।